हे गाइस, वेलकम टू फिटटेक। आज मैं काफी कमाल के टेक अपडेट्स को लेके रोज की तरह दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला और काफी अलग सा अपडेट निकल के आ रहा है मेटा की तरफ से। दोस्तों बेसिकली मेटा जो है उन्होंने लॉन्च कर दी है उनकी ट्विटर जैसी ब्लू सब्सक्रिप्शन। दोस्तों यहां पर जो है आपको वेरीफाई करने के लिए टिक वगैरह मिल जाएगा और भी कुछ चीजें मिल सकती हैं। अब दोस्तों है क्या ये, तो पर मंथ जो है आपको $11.99 देने पड़ेंगे अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो। अब दोस्तों यहां पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये सब्सक्रिप्शन जो है इसी वीक इसी हफ्ते लॉन्च होने वाली है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। बाकी दोस्तों अब देखते हैं क्या कुछ काम करती है और कैसे कैसे काम करती है। अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च होगी, उसके बाद जो है अमेरिका में, फिर धीरे धीरे करते इंडिया में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पर यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, $11.99 जो मैंने बोले हैं $12 हो गए, ये वेब यूजर्स के लिए है ना कि एंड्रॉयड और आईओएस के लिए। अगर आप एंड्रॉयड और आईओएस के ऊपर चलाना चाहते हो, इनकी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पर मंथ देने पड़ेंगे $14.99, यानी कि $15 ही हो गया। आप कह सकते हो $15 राउंड ऑफ करके एंड्रॉयड और आईओएस के लिए और $12 हो गए राउंड ऑफ करके वेब यूजर्स के लिए। अब दोस्तों बाकी देखते हैं इनके अंदर और क्या कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। सब्सक्रिप्शन है, आपको चीजें मिल सकती हैं। और मेटा ने एक चीज क्लियर और कर दी है, जिनके पास पहले से ब्लूटिक है उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। मतलब वो पहले से वेरीफाइड है तो उनका ब्लूटिक नहीं जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो आप पर मंथ की सब्सक्रिप्शन देके ले सकते हो, वेरीफाई वगैरह करवा सकते हो अपने आपको। तो दोस्तों अच्छा है मेरे हिसाब से, मतलब जिसको चाहिए वो ले सकता है, जिसका फिक्स है जो पॉपुलर है उसका तो रहेगा, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर देगा। बाकी दोस्तों टेक्नो की तरफ से आप बता दूं, टेक्नो फैंटम वी फोल्ड या फाइव फोल्ड आप इसे कह सकते हो, वैसे वी फोल्ड ही कहेंगे दोस्तों, ये 28 फरवरी को लॉन्च हो सकता है। अब दोस्तों इंडिया में नहीं आएगा एकदम से, पहले ग्लोबली ही जाएगा लॉन्च करके। अब दोस्तों बताया जा रहा है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है और इसकी पहली टीज की गई इमेज आप देख सकते हो, यहां पर मैं लगा देता हूं दोस्तों, देख के बताइए कैसे लग रहा है दिखने में। दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, इसके अंदर आपको मिलने वाला है मेगाटेक डोमेस्टी 9000+, जो कि काफी सीरियसली पावरफुल प्रोसेसर है, तो काफी अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताइएगा इसका क्या प्राइस हो सकता है। 9000+ है ये, तो काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा बढ़िया, देखते हैं काम कर रहा है टेक्नो और कब तक ये इंडिया में आता है, लेट्स सी। और दोस्तों फायरबोल्ड की तरफ से उनकी ब्लेजर्ड, दोस्तों ये स्मार्ट वॉच है उनकी लॉन्च हो चुकी है आज इंडिया में। 1.8 इंच की डिस्प्ले आ जाती है, इसके अंदर आपको मिल जाती है प्राइसिंग 3499 की, यानी कि 3500 रुपीज राउंड ऑफ करके। दोस्तों यहां पर आप बता दू, इसमें 7 डेज की बैटरी लाइफ आ जाती है। यहां पे आपको दोस्तों जो बैटरी बैकअप मिल जाता है वो 7 डेज का मिल जाता है, कंपनी ऐसा क्लेम करती है। इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है 220 mAh की। इसके अंदर आपको टोटल 120 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, 50 कस्टमाइजेबल यूनिक दोस्तों आप वॉच फेसेस बना सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी इसके अंदर आपको दोस्तों मिल जाती है IP67 की रेटिंग, तो ओवरऑल देखा जाए तो वॉच काफी अच्छी है, जो भी लोग ट्राई कर पाएंगे जल्दी ही 23rd of February से जाने वाली है सेल पे। दोस्तों अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो सीरियसली काफी ज्यादा बड़ा अपडेट है दोस्तों, रियलमी की तरफ से निकल गया है Realme GT 3। दोस्तों MWC के अंदर लॉन्च हो सकता है 28 फरवरी को। अब दोस्तों कमाल की बात यहां पर ये है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 8th Gen 3। दोस्तों मैंने 8th Gen 3 बोला, अभी तक ये प्रोसेसर लॉन्च भी नहीं हुआ है, इस साल के एंड में लॉन्च होगा, लेकिन यहां पर Realme GT 3 के अंदर आपको वो प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये सीरियसली काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, मतलब वो प्रोसेसर जो कंपनी की तरफ से लॉन्च होगा इस साल के एंड में, वो हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये सीरियसली काफी अजीब बात है, आपको देखने को मिल सकता है 8th Gen 3। दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इसके अंदर एंथू स्कोर वगैरह सारा कुछ चीजें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया है, 25% आप कह सकते हो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है 8th Gen 2 के मुकाबले में। दोस्तों लेट्स सी क्या निकल के आता है, क्या सच में 8th Gen 3 देखने को मिलेगा, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। दोस्तों 28 फरवरी को MWC में लॉन्च हो सकता है फोन, लेट्स सी कि क्या निकल के आता है, क्या सीरियसली ये सरप्राइजिंग चीज होने वाली है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के टेक अपडेट्स को करते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।